गॉसिप नहीं मिलने वाला है। हाँ बोल बोल। कौन? अच्छा मैं यही हमेशा पूछती हूँ, हम लोगों को मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं होता, आप लोगों को कैसे हो जाता है? आप भी कुछ बताती नहीं है। आप बता दिया, स्मार्ट आया। What is celeb mode? I haven't seen that. Wow. कैलेंडर 2020 से ज़्यादा आई थिंक तन्मय की कैलेंडर 2020 के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड। आई हैव एक्चुअली मेरा पहला फोटो शूट मैंने तन्मय के साथ किया है एंड आई रिमेंबर मैं बहुत नर्वस थी और तन्मय इज लाइक इट्स ओके जस्ट चिल, ही इज लाइक स्माइलिंग ओवर दैट, आई वाज लाइक आई हैव नेवर डन दिस, तन्मय कम एंड आई वाज लाइक आई हैव नेवर डन दिस एंड ही इज लाइक इट्स ओके हो जाएगा, आई सेड हाउ डू आई स्टैंड, हाउ डू आई, ही इज लाइक जस्ट डू व्हाट यू फील, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर फॉर तन्मय। Tanmay, you're in front of camera. I've come for you. You better say nice things about me. Edit that. नहीं नहीं, but इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा था। जब हमने पहली बार शूट किया था, मिले ही पहली बार एक्चुअली शूट पे थे, और ऐसा बहुत कम एक्टर्स के साथ होता है जब पहले ही हम लोग शूट करते हैं और बहुत कंफर्टेबल हो जाता है माहौल। बहुत मजा आया था शूट करने का एंड आई अप्रिशिएट कि मैंने आज बुलाया एंड शी इज लाइक ओके आई एम कमिंग, आई हैड टू कम, माय फर्स्ट फोटो शूट, या आई टू कम। या आई रिमेंबर चिट चैटिंग विद हिम, ही सेड एरी इज देयर इन द कैलेंडर, सो आई एम लाइक वेटिंग टू सी इट। उनको उनको देखने को मिल जाएगा और आपको तो थोड़ी देर में रिवील जब हुआ तब देख जाए। मैं अवार्ड्स के लिए कहाँ काम करती हूँ यार, इट्स अ फैक्ट, आई इफ आई गेट इट आई विल बी वेरी हैप्पी, इट्स लाइक आई ऑलवेज से कि केक तो है हमारे पास, अवार्ड मिलता है तो इट्स आइसिंग ऑन द केक, तो इट्स जेन्युइनली मतलब अगर आप किसी चीज़ के ऑनेस्टली आई एम नॉट आई माइट साउंड वेरी मॉडेस्ट बट मैं इतने सालों के बाद मैंने एक्टिंग किया है ना तो मुझे अवार्ड से ज़रा आई जस्ट वॉन्ट टू डू गुड वर्क, आई जस्ट वॉन्ट टू कीप गेटिंग बेटर, ऑनेस्टली इट्स दैट। मैं तो सारे वेब सीरीज करना पसंद करूँ, आई वुड लव टू डू एवरी कैरेक्टर, मतलब जो मैंने आज तक नहीं किया, चाहे वो एकदम अभी यहाँ पे मोहिनी बासु वेरी हॉइटी टॉइटी, आई वुड लव टू डू अ देसी कैरेक्टर, आई वुड लव टू डू अ कैरेक्टर विच इज़ इन द गांव, जहाँ लैंग्वेज मेरे लिए बैरियर है बहुत बड़ा, स्पेशली एज इन यू नो वो डायलैक्ट्स होती हैं, आई वुड लव टू डू दैट, आई वुड लव टू डू समथिंग माई एज रादर देन डूइंग समथिंग दिस ऑल्सो, आई वुड लव टू एक्सपेरिमेंट एवरीथिंग। यार थैंक यू, थैंक यू, wishing everybody a very happy new year and sorry it's merry christmas first now sorry once again wishing everybody a very merry christmas and a happy new year, be good, be positive and all the best, god bless you guys, thank you. I've not seen Big Boss you know this year, but you know, I can't see a friend, anything that you would like to comment on it. If I've seen, then I'll comment, no? And if I have to tell him something, then when I meet him, I'll tell him, no? See, this one is not smiling. Huh?
बार देखा ही नहीं है. बस पहले कौन सोशल मीडिया होता है, आप अगर आपने कुछ देखा होगा तो जाते हैं. आई स्वेयर आई नाबी तो देखा होगा आपने, नाबी तो फर्स्ट शायंतनी ना, द शायंतनी वन, द रीसेंट वन, लुकिंग वेरी हॉट यार, वेरी हॉट. अरे तो आग लगा दी है मेरे को, हमेशा आग लगाती है सीरियसली. बिकॉज I know, I'm waiting. I want to know because it's full like fire happening. अगर आपको नागिन मुझे पहले तो 20 किलो कम करना पड़ेगा, उसके लिए पता नहीं कितना टाइम लगेगा. तो फॉरगेट, अभी पहन के तो आई हूँ मैं, हो गया ना, कॉम्पेंसेट हो गया. ये तुम बोल रहे हो ना, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. पूछ रहे हो? अच्छा, सुरभि ज्योति को आप दे सकते हैं टक्कर? कौन, मतलब क्यों मैं टक्कर दूँ? मैं साड़ी पहन के वहाँ पे मतलब मोहिनी बासु प्ले कर रही हूँ. नागिन को, नागिन को कैसे मैं टक्कर दूँ बताओ? कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है? हाँ हाँ, तो मैं हट जाऊँ वहाँ से. किशन द ग्रेट, इसे शेयर करो. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, क्योंकि कैलेंडर नए साल का आ रहा है और नए साल के कैलेंडर में नई सारे त्यौहार होंगे, नई सारी बातें होंगी, तो सभी को एक्साइटमेंट है. और इस चीज़ के लिए मैं तो कहता हूँ कि ये लग रहा है जैसे 2020 मतलब IPL टाइप का साल होगा. और मुझे लगता है कि होना भी चाहिए, मालिक करे कि जो आप सोच रहे हो वैसे आपके सपने आपके साथ मैच करें और आप 2020 की तरह हर मैच जीते रहें और आपके जीवन में आप मैन ऑफ द मैच बनते रहे. सुनील जी, क्या कहना चाहिए क्या आपको, लेकिन मोदी जी ने क्या देश बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी? मित्र, कैब के लिए प्रश्न करने के लिए ये प्लेटफॉर्म ठीक नहीं है. तभी भी आपका समर्थन क्या है, मतलब आपको लगता है क्या, आपको क्या होना चाहिए? काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बच्चों को कॉलेज में जाके मारा गया, पुलिस ने इतनी हरकतें. मैं कहता हूं कि आई लव माई इंडिया, और भारत के लिए जो भी अच्छा कदम होगा वो सरकार को, जनता को, सबको उठाना चाहिए. और कहीं कोई अगर गलती होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो बिंग अ इंडियन, बिंग अ नॉर्मल सिटीज़न, मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है. और कहता हूं कि सरकार हो या जनता हो, प्लीज़ आप आपस में मत लड़िए, भावनाओं को समझिए, भावनाओं को समझो. आप सबको क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएँ, नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये साल तो उल्टा सीधा था. नॉर्मली 19-20 होता है, ये 20-19 था. ऑल द बेस्ट. विजुअल्स कर लेते हैं. यू वांट टू डू सोलो टुगेदर? Now you sleep there. Yes.
Thank you. Thank you. Likewise, good to see all of you all. यार आई थिंक बहुत ही अमेजिंग शूट हुआ है और सारे एक्टर्स जितने भी हैं हमारे इस कैलेंडर में उन सब ने बहुत बढ़िया काम किया एंड ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी नाइस वे टू एंड द ईयर एंड एंड एन अमेजिंग वे टू बिगिन द नेक्स्ट ईयर आई एम वेरी हैप्पी दैट निशांत इज अ पार्ट ऑफ द कैलेंडर सो आई एम हियर टू सपोर्ट माय फ्रेंड एंड आई एम एक्साइटेड टू लुक एट हिज पिक्चर्स हाँ मैंने अभी तक दिखाई नहीं है yes. like, जब मैंने किया था तो जी बोले अरे दिखा दो क्या yes. फोटोज खींची थी क्या कॉन्सेप्ट है मैंने कहा नहीं सीधा कैलेंडर पे देखना तो इसलिए आज मैं हाथ पकड़ के खींच के लेके आया कि नहीं चलो और देखो मेरा कैलेंडर कैसा दिख रहा है ये मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा कमाल का था आई वॉज इन अ सैलून जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत एक बहुत ही हॉट मॉडल थी हु इज गिविंग मी अ शेव एंड अ हेयर कट वाइल आई एम सिटिंग लाइक अ डॉन यू नो इन अ कंप्लीट सूटेड बूटेड अवतार बहुत ही डिफरेंट लुक था और बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं जब हम इस तरह के लुक में आ सकते हैं इस तरह के कॉन्सेप्ट में शूट कर सकते हैं तो हाँ वही है अब आप कैलेंडर में देख के बताइएगा कैसा लगता है मतलब सब जानते हैं कि मैं स्वीट इनोसेंट शर्मिला टाइप का हूं पता नहीं है कि निशांत के सिर्फ एक शेड नहीं है निशांत हैज मल्टीपल शेड्स एंड ही इज वन पर्सन हु कैन एक्चुअली प्ले वर्सटाइल रोल्स ही कैन कैरी ऑफ दिस डॉन लुक ही कैन कैरी ऑफ दिस आउट एंड आउट रोमांटिक हीरो लुक ही कैन एक्चुअली डू मल्टीपल रोल्स आई जस्ट फील दैट ही इज नॉट गॉट हिज ड्यू एज एन एक्टर ऑल्दो ही इज अ पार्ट ऑफ अ वेरी वेरी सक्सेसफुल शो बट आई फील ही डिजर्व्स मच मोर देन व्हाट ही इज गेटिंग You see, that's why I got her with me. She pumped me up. For so much motivation. Thank you. Yeah. I personally, you know, सच बताऊँ मैं I'll be very frank and honest. मुझे ज़्यादा मज़ा मुझे acting में आता है. Photo shoot में क्या you have to hold your expression and you have to be so still, you know. मुझे मज़ा नहीं आता. I like to be in a frame where everybody's moving, everybody's acting and कुछ भी हो रहा है. बहुत सारी versatile चीज़ें हो रही हैं. I prefer acting over photo shoots, but as an actor, as a person in the media industry, you have to be a part of all these different things and try your best to be, you know, presentable and good enough in all of it. Manage कैसा कर लेते हैं मतलब show भी करते हैं इतना acting manage ऐसे होता है कि हम सोते नहीं हैं हम हमारा black coffee का budget बहुत high होता है और बस यही कुछ चीज़ें हैं जो हमको जिंदा रखती हैं कि हम सुबह 6 बजे उठते हैं और रात को 2 बजे सोते हैं फिर ऑफिस उठ जाते हैं यही हमारी लाइफ है फिर महीने में एक छुट्टी आती है वो कब आती है कब जाती है नोबडी नोज हाँ एक कभी मतलब किस्मत अच्छी हुई तो 2 भी आती हैं सो लाइक एग्जैक्टली वॉट निशांत सेड वेन यू आर एक्टिंग आप फ्लो करते हो कुछ होल्ड नहीं करना पड़ता यू जस्ट फ्लो ऑफकोर्स प्रोवाइडेड यू हैव अ डायरेक्टर हु अलाउज यू टू फ्लो बिकॉज इन टी वी यू नो यू हैव टू यू नो एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे ये इतना ही करो ये इतना ही बोलो थोड़ा सा वो लिमिटेशन हो जाता है सो आई थिंक यू हैव टू बी वेरी लकी टू गेट अ वेरी गुड डायरेक्टर So you have to get a very very good director but having said that once in a while doing photo shoots and eventually seeing the results is something that makes me really it's happy. It's a refreshing change. Yeah, it's a good change, yeah. Okay, apart from this, like Bigg Boss काफी आजकल buzz में है, so Bigg Boss buzz में कौन सी buzz में कहाँ जा रहा है? हाँ Bigg Boss buzz में है और जितने भी लोग अभी हैं फिलहाल बहुत अच्छा खेल रहे हैं और टिके हुए हैं I think they all deserve a lot of respect and a lot of appreciation. Daljeet, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो खैर eliminate हो गई थी लेकिन मुझे लगता है कि उसने बहुत ही sweetly खेला बाकी लोग जो हैं थोड़ा दिमाग से ज़्यादा खेल रहे हैं तो वो टिके हुए हैं एंड मैं नाम नहीं लूँगा बट जो लोग हैं इस वक्त गेम में आई थिंक दे डिज़र्व टू बी हियर बिकॉज बिग बॉस में रहने के लिए जो आपको चाहिए वो सब वो सारी क्वालिटीज़ उनके ऊपर से लेके नीचे तक हैं So for the first time I'm not really following Bigg Boss but having said that maine pehle ki seasons follow kiye hai so I think everybody who takes the decision of going inside the Bigg Boss house hats off to everybody because it's not an easy show to do you require a lot of guts and courage and I can't imagine myself
Exactly. So I think it's a very big deal for everybody who's going in the house, and I'm sure all of them come out stronger, you know, whatever mistakes they make, you know, because we all want to show our best side to the world, and in Big Boss you are entering knowing that your worst side will be seen. So hats off to all the contestants who have been there in Big Boss from the first season till now. Honestly, बहुत सारी बातें हो रही है, but I wouldn't like to comment on anybody's personal affair because it's just for them to know, because I wouldn't like somebody commenting in my personal affair, so I have to apply that on other people also. बहुत बार आया है पर हाँ ऑलमोस्ट बट ऑनेस्टली आई फील आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड टू डू इट एंड आई वुड यू नो नहीं मुझे लगता है जिया कर सकते हैं उसको खुद पे विश्वास नहीं है इस बारे में शायद बट आई थिंक शी इज मेंटली वेरी वेरी स्ट्रांग एज अ ह्यूमन बीइंग आई सीरियसली इंटरव्यू के लिए नहीं बोल रहा हूँ आई सीरियसली बात छेड़िए तो बोल रहा हूँ यू हैव द स्ट्रेंथ मेंटली टू फेस ऑल काइंड ऑफ ऑड्स Wow, if you ever go in, I think you will be a very, very tough contestant to beat. Thank you. That's a big compliment. I mean it. Thank sir, you. My water is good. I want 20 zeros to add in my bank balance. That's a good one. I'm sorry. I want to add 20 zeros in my bank account in an international bank. Nice one. I think for me, I am working on myself every day. So I wouldn't need a new year 2020 or 21 or 22 or any other year to kind of work on myself and change myself for the good. But I constantly take an effort to make myself the best version of me for my friends, for my loved ones, and for everybody who comes in my life. But still, fans are waiting for to see Gopi Bahu ko to abhi, I think fans, my fans especially are happy seeing me in Manmohini because that was a very different kind of role that I played from Gopi Bahu to a Dayan. Gopi Dayan. And I also played the role of a schoolgirl in the same show. So I am extremely grateful that I got an opportunity to do something that's totally opposite to what I have done in my past. So it was a good break, and let's see what comes next. I'm open, I don't have too many criteria. Well, I wish all our fans, our audience, the best of the coming new year. A very, very Merry Christmas, because I hope आपका आने वाला साल, आपका ये Christmas बहुत ज़्यादा खुशनुमा हो, क्योंकि आप लोग खुश रहते हैं तो हम भी खुश रहते हैं. आप हमें प्यार देते रहते हैं तो हमारा जो रोज़ उठ के मेहनत करना, काम पे जाना, दो घंटे सो के अपने दिन काटना, जो हमारी मेहनत है ये सफल हो जाती है. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर अस, एंड वंस अगेन आई होप सांता फुलफिल्स ऑल योर विशेस नो मैटर हाउ नॉटी दे आर. लाइकवाइज निशांत हैज सेड इट ऑल सेम फ्रॉम माय साइड. आई वुडंट वांट टू रिपीट द सेम थिंग. थैंक यू. थैंक यू. बाय बाय.